फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सास किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खीर, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं और व्रत में तो इसे स्पेशली तौर पे बनाया जाता है। तो ये कैसे बनेगी, तो चलिए शुरू करते हैं साबूदाना खीर बनाना। साबूदाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम साबूदाना। सबसे पहले मैं साबूदाने को एक बड़े बाउल में डाल लेती हूँ और इसे 5 से 6 बार अच्छे से धो लूँगी, जब तक कि इसका सारा स्टार्च निकल ना जाए। इसे अच्छे से मसल मसल कर साबूदाने को देखिए मैंने 5 से 6 बार धो लिया है और इसका एकदम स्टार्च सारा निकल चुका है। तो अभी हम धो के इसका सारा पानी निकाल देते हैं। साबूदाने को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसमें देखिए पानी डालकर इसको भिगोने के लिए रख देंगे। साबूदाने में देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये इससे थोड़ा सा ही ऊंचा है, तो इसको मैं आधे घंटे के लिए अच्छे से भीगने के लिए रख देती हूँ। साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध और इसे मैंने गर्म कर लिया है, और जितना मैंने साबूदाना लिया है उतनी ही मैंने 100 ग्राम करीब चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 5 लूंगी मैं हरी इलायची और इसको मैं तोड़ के इसके बीज यूज करूंगी। ड्राई फ्रूट में मैंने थोड़े से बादाम, इसको मैंने कट कर लिया है, थोड़े से काजू और थोड़े से मैंने लिए हैं पिस्ते, और 1 चम्मच करीब ली है मैंने किशमिश। ड्राई फ्रूट अपने पसंद के यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच लेंगे हम देसी घी, तो जिसमें हम अपने ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। आधा घंटा हो चुका है और देखिए साबूदाना भी हमारा अच्छे से फूल गया है। देखिए तो खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं देसी घी डाल लेती हूँ। चारों तरफ कढ़ाई में हम फैला लेंगे, जिससे हमारी जो साबूदाना है चिपकेंगे नहीं। पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट को इसमें फ्राई कर लेती हूँ और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। ड्राई फ्रूट को देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया है और देखिए किशमिश भी हमारी अच्छे से फूल गई है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो चुके हैं और इसमें जो घी बचा है तो इसमें ही रहने देते हैं और जो भीगा हुआ साबूदाना इसमें डाल लेंगे। और इसे मैं इस तरह से भून लूंगी। साबूदाने को मैंने 2 से 3 मिनट घी के साथ अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये दूध जो हमने गर्म करके रखा है और इसे हम चलाते जाएंगे। और दूध डालकर मैं साबूदाना दूध को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साबूदाने को देखिए दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम बराबर चलाते हुए इसी तरह से पकने देते हैं। साबूदाने की खीर देखिए हमारी गाढ़े होने लगी है और ये एकदम देखिए चिकनी चिकनी होती जा रही है, और देखिए इसके जो साबूदाना है एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं। तो इसी समय पर हम डाल देते हैं जो ड्राई फ्रूट लिए थे, तो ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी डाल के इसको मैं गैस की फ्लेम को कम कर दूंगी और इसे बराबर चलाती रहूंगी। चीनी मैंने खीर में डाल दी है और देखिए ये खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और जो हरी इलायची के दाने मैंने इसमें से निकाल लिए हैं, तो इसको भी इसमें अच्छा डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इसे मुझे बस थोड़ी देर और पकाना है। ये खीर हमारी अच्छे से बन गई है, जो चीनी डाली थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और देखिए खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी है। तो बस इसी समय पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और खीर को सर्व कर लेंगे। साबूदाना खीर बनके हमारी रेडी है, बहुत ही टेस्टी खीर बनी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।